उसी दौरान जो बच्चों का असेसमेंट किया जाता है उसी को हम लोग असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। हमारा टास्क है कि असेसमेंट एज लर्निंग कैसे करेंगे, उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा, उसके लिए एक टूल का डेवलपमेंट करना था, मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंट जिसके माध्यम से हम उसको असेस कर सकें। तो हमने सोशल साइंस के क्लास 9th का मैप स्टडी एक टॉपिक लिया है कि मानचित्र का अध्ययन जो है वो लिया है, जिसमें जो टीचर्स की एक्टिविटी है वो ये है कि पहले तो टीचर ने क्लास में मानचित्र के अध्ययन के तरीकों को समझा दिया, बता दिया कि कहाँ क्या देखा जाता है, कैसे देखा जाता है। फिर टीचर ने बच्चे को एक गतिविधि के लिए समूह में बांट दिया, क्लासरूम में कुछ ग्रुप्स बन गए जैसे अभी हमारे बीच बने थे। फिर प्रत्येक समूह को एक विश्व का मानचित्र प्रोवाइड करवा दिया गया, हर ग्रुप के पास अब एक एक मानचित्र है पूरे विश्व का। फिर उन्हें कहा गया कि आप 5 मिनट इस मानचित्र को अच्छे से देखिए, और जब 5 मिनट का समय बीत गया और वो आपस में उस समय डिस्कशन भी कर सकते हैं कि उन्होंने क्या देखा क्या समझा, ये उनके ऊपर है। 5 मिनट के बाद उनको एक फीडबैक फॉर्म भरने के लिए दिया गया, जो कि एक प्रश्नों का समूह है, उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न है जो कि वो भरेंगे। अब वो प्रश्न क्या क्या है, तो पहले कुछ प्रश्न जो है वो मैम आप बोल दीजिए, और ये फीडबैक फॉर्म हम लोग का देख लीजिए पहले, ठीक है? बच्चों को हम लोग कुछ ऐसा बना के दे जिसमें थोड़े ड्राइंग, बच्चों को कुछ ऐसे प्रदान किए जाए चीजें जो थोड़े अट्रैक्टिव भी हो, जैसे जब मिला उसको तो वो ओह पढ़ा, ओह मतलब नहीं होता है टास्क मिल जाने के बाद कि क्या मिल गया, और जब उसने कंप्लीट कर लिया तो लिखा है आह मजा आ गया करके। तो कुछ इस तरीके का होना चाहिए ताकि वो जर्नी भी ऐसी होनी चाहिए सीखने की कि ओह से आह वाली फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है? तो इसलिए जो प्रश्न दिए गए हैं, हम सभी को मानचित्र में महासागर डैश रंग का नजर आ रहा है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन को भी ऐसे बनाया कि वो पर्सनल, क्योंकि असेसमेंट एज लर्निंग जैसा कि मैम ने बताया एक पीयर असेसमेंट होता है, बच्चे स्वयं का आकलन करते हैं, तो वो प्रश्न खुद ही पढ़ रहे हैं और अपने से ही पूछ रहे हैं कि हमें किस रंग का दिख रहा है महासागर। फिर दूसरा प्रश्न है कि हमें मानचित्र में भारत के उत्तर दिशा में देश किस तरफ दिख रहा है, ठीक है? हमारे मानचित्र में भारत के उत्तर दिशा में कौन सा देश दिख रहा है, तो वो देश का नाम वहां पे वो लोग लिखेंगे। मानचित्र में दिशा निर्धारित करने वाले प्रतीकात्मक चिन्ह को बनाओ, वो बना के भी दिखाएंगे। फिर डिजिटल, अब यहाँ इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा अलग हो गया कि बच्चे को करंट से भी जोड़ा जाए, क्योंकि आजकल के समय में आप सभी को पता है कि मानचित्र हम सब ने देखा है लेकिन उसको रोज के यूज में कैसे लाएं वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए डिजिटल संसाधनों में मानचित्र अवलोकन के लिए किस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चे सोचेंगे, हो सकता है हमें जैसे गूगल मैप पता है, हो सकता है उन्हें कोई और भी मैप पता हो, तो वो भी नाम निकल के हो सकता है सामने आ जाए। फिर क्या आपने गूगल मैप में अपने विद्यालय को कभी खोजा है, ये प्रश्न भी उसमें डाला गया, तो अगर खोजा होगा तो लिखेंगे, नहीं खोजा होगा तो जाके जरूर खोजेंगे कि क्या स्कूल का मैप या घर का एड्रेस या कुछ भी जी, हाँ हो सकता है कि वो खोजेंगे। फिर उसके बाद हमने लिखा है कि अपने आप को वो अंक देंगे, खुद को स्वयं से ही वो अंक देंगे। तो प्रश्न है कि हमें मानचित्र अध्ययन करना आ गया, उसमें वो अंक बना हुआ है कि 1 2 3 4 5, वो खुद को ही जो भी अंक होगा वो आपस में डिसाइड करेंगे कि हमारे ग्रुप को कितना आया। फिर हम मानचित्र में देश के पड़ोसी देशों को दर्शाने में सक्षम है, इस तरीके के और भी बहुत से प्रश्न बन सकते हैं जो यहाँ पे हमने थोड़े समय के लिए ये बनाया है। तो इस तरीके फीडबैक फॉर्म